हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जिम का तीसरा दिन है और आपका हार्दिक स्वागत है। कल मेरा बर्थडे था, आपने देखा होगा। सो आज आदि भी हमारे साथ आया क्योंकि आज शनिवार है, छुट्टी आदि की, और अब शनिवार संडे हमारे साथ आदि आया करेगा। बस ये खेलता रहेगा यहाँ वहाँ, हम लोग अपना वर्कआउट कर लेंगे। तो आदि कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आज का दिन फिर से एक बार शुरू करते हैं। और चांदनी ने अपना स्टार्ट कर दिया है, चांदनी बैठ चुकी है। तो चलो गाइस, आगे बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। लेट्स गो। तो गाइस, कल हमारा मेरा बर्थडे था, कल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। आप ही गिर गए वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। एक हफ्ते तक यही एक्सरसाइज चलेगी जो हम लोग अभी करने लगे हैं दौड़ के साथ, क्योंकि हम हैवी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारा जो बॉडी का वार्म अप है जो कि मैंने सिखाया है, वो हल्का हल्का मतलब पिघला रहे हैं निकाल लें। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। चलो आपको फिलहाल यही है। हमने वेट लूज करना है, यहाँ पे रोड लेके जाना है और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके करना है। ये थोड़ी रोड हैवी है, भारी है, तो ऐसे एक दो तीन चार पाँच एक कंटिन्यूसली इसको रोड को ऐसे पुश कर दो। हाथों वेट आपका बॉडी का बहुत ज़्यादा जोर लगता है। ऐसे नहीं कि वेट डाल लो फिर करो, बजाओ करने के लिए ज़्यादा बेहतर। तो आपके मसल्स में, आपके शोल्डर में जो बहुत दर्द होता है, पेन होता है, मसल्स बढ़ते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा एक तीसरा है हमारा, 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे उसका तीसरा। गाइस, रोड को ऐसे होल्ड करना है, उतनी रोड हैवी नहीं है ताकि उतना आपको वेट फील हो, जितने आप कर सकते हो उतना कर सकते हो। हम 15 कर ले रहे हैं, 15 में भी हमारी बॉडी का मतलब पूरा बोल रहा है उसका मैं सकता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात एक्सरसाइज है वो, एक डंबल हाथ में लेना है और एक ऐसे पैर खोलने आपने, एक यहाँ पर रखना है मतलब कमर पे हाथ रखना है, दूसरा डंबल रखना है और फिर ऐसे जान देते हैं तो उसको टच करना है। अब आपको बेस की प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, बेस भी हो रहा है, और फिर पैर बाहर निकाल सकते हैं जैसे ऐसे करते हैं। तो यहाँ जाके पूरा बैक में ऐसे करके आपने ऐसे घूमना है उस साइड पर। तो ये हमारे 3-3 सेट हो जाने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पहले उस साइड को करा था, अब ये सेम हिसाब में पड़ा है हमने डंबल सेम वही सेम करना है, क्योंकि 3 सेट लगाने हमने 15-15 के, उसका फिर रोड वाला काम करना है। 10 सेकंड का रेस्ट लेके फिर आप ये कर सकते हो सेम। जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो है अगर आपने बैली फैट या फिर अपनी दोनों या कमी कम करना है तो ये खास ध्यान रखना है। काम यहाँ पे दूसरा हाथ ऐसे करके आपने ये 15-15 सेट लगाना है या 20 लगा सकते हो जैसे आपकी मतलब वो स्टाइल है। तो मेरे हिसाब से 15-15 से स्टार्ट करो ऐसे करके। सो गाइस, उसके बाद सेम हमने 15-20 से कर लो, फिर सेम वैसे करना है, हमने ऐसे रखना है हाथ ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। बस आपके यहाँ पे वेट पड़ना चाहिए, जो ये चीज़ है ना आपके यहाँ पे जोर पड़ना चाहिए साइड वाले जो मास है, आपको लगना चाहिए कि हाँ यार
जोर पड़ता है। सेम हमने इस साइड कैसे करना है, इस साइड से करके वहां करना है। चौथी एक्सरसाइज है, हमने तीन तीन सेट करने हैं। चौथी सेट हमारी ये है कि यहाँ से ऐसे होल्ड करना है, अपनी जो चेस्ट है उसको ऐसे बाहर निकालना है, मैं छाती को थोड़ा बाहर निकालना, ये एक पैर यहाँ पे, दूसरा पैर यहाँ पे, जो हमें जिम वाले ट्रेनर ने लाया, तो यहाँ पे एक पैर रखना है और फिर ये करना है। नाक से सांस लेने, मुंह से छिटका। सो गाइज, आज का वर्कआउट हो चुका है। अभी आप मेरे देख सकते हो पसीना पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही है, मतलब अभी थोड़ा मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। और आज हमने पूरे 2.5 घंटे वर्कआउट किया है, 2.25 घंटे वर्कआउट किया और पूरा बॉडी खुल गया, मज़ा आ गया। सो गाइज, आज हमारा तीसरा दिन है, मतलब वैसे चौथा दिन है पर हम तीसरा कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन हम मतलब गिन नहीं रहे थे जब हम चप्पलों में आए थे वैसे नॉर्मली। सो आज हमारे साथ आप देख सकते हो आदि भी आया है। आदि कैसा लगा आपको? आपने क्या किया? सफाई यहाँ पे, ये देखो आदि सफाई करने के बुलाया था, कपड़े पूरे गंदे करके जा रहा है, पूरे गंदे, पूरी मशीन से हाल निपट रहा है। सो गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अब हम जिम में ही अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, जिम में ही खत्म कर देते हैं, घर में नहीं लेके जाते, क्योंकि आने जाने का टाइम, आज हम एक्टिवा लेके नहीं आए हैं, आज हम पैदल जाएंगे घर से, यहाँ से किलोमीटर है, तो पहले आते आते बॉडी वार्म अप हो गई थी और अभी जाते आते बॉडी वार्म हो जाएगी, क्योंकि कल बर्थडे था तो कल हमने एक स्लाइस छोटा पिज्ज़ा का खा लिया था और थोड़ा सा चिकन खा लिया था। चिकन वैसे अच्छा होता है पर वो फ्राई चिकन था KFC का, तो इसलिए थोड़ा हैवी वर्कआउट करना पड़ा। बट हम अब डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे और अच्छे से 30 डेज का चैलेंज पूरा करेंगे। और गाइज, कल है संडे, सो कल देखते हैं, अगर बात करके अगर जिम का एक्सेस मिल जाता है। वैसे तो हम कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाइट ऑन करते हैं हल्की फुल्की और नॉर्मली जिम करते हैं, तो वैसे मिल जाना चाहिए क्योंकि जिम में कोई भी नहीं है। तो चलो बात करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे कल। अगर कल जिम आएंगे तो मिलेंगे, नहीं आएंगे तो हम घर से ही अपना जो है अपलोड करेंगे, हम घर में ही नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, और आप भी सब जिम जाएं या फिर घर में एक्सरसाइज करें, योगा करें, एक्टिविटी कोई ना कोई करते रहें फिजिकल। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना सच, और वीडियो को पूरा देखा करो, और ब्लॉग को आगे शेयर भी करना, आप कमेंट भी करना कुछ अगर आपको गलत लग रहा है या हम कुछ ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हमें हेल्प भी कर सकते हो आप। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।